दोस्तों त्रिद्या चौधरी और साथ में बॉबी देवल एक बार फिर से तीसरे पार्ट के लिए आ रहे हैं। आश्रम चैप्टर 3 एक बार फिर से थर्ड पार्ट आप लोगों के बीच में कमबैक कर रहा है। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि आपने बॉबी देवल और त्रिद्या चौधरी का आश्रम चैप्टर 2 देखा था, जो कि चैप्टर 2 के बाद में अब चैप्टर 3 फिर अगेन कमबैक स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जहां पर त्रिद्या चौधरी तीसरे पार्ट के लिए कमर कसली है और वो जल्द ही आश्रम चैप्टर 3 में नज़र आएंगी। दोस्तों ये जानकर वाकई में आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि त्रिद्या चौधरी टेलीविज़न की नहीं बल्कि बॉलीवुड और वेब सीरीज़ की क्वीन मानी जाती हैं, और जो क्वीन होती हैं उनका धमाला अलग ही होता है, क्योंकि बॉबी देवल जो सीरीज़ को डायरेक्ट कर रहे हैं प्रकाश झांकी को, वो वाकई में काफ़ी सराहनीय हैं। और जल्द ही प्रकाश झांकी इस सीरीज़ को आप देख पाएंगे, जिसमें देख पाएंगे आप कि बॉबी देवल और त्रिद्या चौधरी, जो कि बॉबी देवल तो एक बाबा की भूमिका में नज़र तो आएंगे ही, लेकिन साथ में अपनी सेविका यानी त्रिद्या चौधरी के साथ में वो अश्लीलता फैलाते हुए भी नज़र आने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पर त्रिद्या चौधरी का हॉट और सबसे स्टाइलिश और सबसे बोल्ड अंदाज देखने को मिल ही रहा है, साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि त्रिद्या चौधरी जो कि एक ऐसी एक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में एक से बढ़कर एक बोल्ड और एक हॉट सीन काफ़ी दिए हैं, क्योंकि दोनों में वो मशहूर उम जानी जाती हैं। और जल्दी ही त्रिद्या चौधरी और बॉबी देवल अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट आश्रम चैप्टर 3 को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन जल्द ही देखने को मिलेगा कि त्रिद्या चौधरी सारी सीमाएं को पार करती नज़र आएंगी और अपने बोल्ड अवतार से सभी के दिलों पर राज करती नज़र आएंगी। दोस्तों आप लोगों को बता देता हूं कि त्रिद्या चौधरी ने हाल ही में ही एक इंटरव्यू दिया था आश्रम पार्ट के लिए, तो उन्होंने बोला था कि मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है बोल्ड सीन देने से और हॉट सीन देने से, जो कि उन्होंने बताया था कि आश्रम चैप्टर 2 में जिस तरीका का किरदार उन्होंने किया, रियल लाइफ में भी वो इसी तरीका की रहना ही चाहती हैं और इसी तरीका से वो रहती हैं। दोस्तों प्रकाश झा आश्रम चैप्टर 3 को डायरेक्ट करने के लिए फिर तैयार हो चुके हैं और जल्दी ही आप लोगों के बीच में पहला प्रमो जारी कर दिया जाएगा। पहले प्रमो में आप देख पाएंगे कि त्रिद्या चौधरी अपने उसी रूप उसी रंगत के साथ में हम और आप लोगों के बीच में अगेन कमबैक कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों आश्रम चैप्टर 3 में सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इसमें ईशा गुप्ता का भी रोल हो सकता है और त्रिद्या चौधरी का, क्योंकि दो एक्टर्स बॉबी देवल से रोमांस करती नज़र आएंगी। लेकिन अभी रिपोर्ट के अनुसार बात की जाए तो त्रिद्या चौधरी का नाम तो फाइनल है, जो कि इस सीरीज में आनी ही है। साथ ही दोस्तों आपको बताऊंगा कि आने वाले जो कि बॉबी देवल के पास में काफ़ी प्रोजेक्ट हैं, यमला पगला दीवाना की चौथी सीरीज है, साथ में ही दोस्तों बॉबी देवल अपने टू भी करने जा रहे हैं अपने मूवी में, जो कि उनके साथ में सन्नी देवल, धर्मेंद्र, बॉबी देवल, कैटरीना कैफ, शिल्पा शेट्टी, बिंदु दारा सिंह काफ़ी नज़र आए थे, लेकिन जल्द ही आश्रम चैप्टर 3 में सभी को मात देते नज़र आने वाले हैं बॉबी देवल और त्रिद्या चौधरी, जो कि हम काफ़ी समय से त्रिद्या चौधरी के उसी बोल्ड लुक के लिए तरस रहे थे, लेकिन जल्द ही बोल्ड सीन फिर से देखने को मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।